पटेल AWPL सारागढ़ की तरफ से एक जबरदस्त रिजल्ट लेकर फिर आया हूँ। दोस्तों आज हम एक बहन जी से, एक माता जी से जानते हैं कि आज उनको कुछ प्रॉब्लम था, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम था, जिनसे हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या था। आपको प्रॉब्लम क्या, आपका नाम क्या है? निर्मला सोनी जी, आपका नाम। प्रॉब्लम क्या था आपको? बच्चेदाने में गांठ हो गया था अंडा सर। ये कब से हुआ था आपको? चार पाँच साल से। तो इतने दिन से आप कैसे इसको सहन कर ले रहे हैं? टेबलेट खा खा कर, मतलब दब जाता था फिर हो जाता था, दर्द बीच बीच में फिर हो जाता था। महीना में दो बार तीन बार दर्द हो जाता था, महसूस करते थे फिर टेबलेट खा लेते दब जाता था। अच्छा, एक बार और टेस्ट कराए। हाँ, तो अभी इसका टेस्ट आप कब कराए हैं, कहाँ पे कराए हैं? अच्छा, ये मेरे को रिपोर्ट बता रहे थे आप, ये त्रिपाठी डायग्नोसिस सारंगढ़ में इन्होंने चेक कराया था। तारीख है 17/5/2019 को, जिसमें उन्होंने 45 mm की ट्यूमर अंडाशय में हुआ है ये बताया, और डॉक्टर साहिबा ने बोला कि ये बिना ऑपरेशन के क्योर नहीं हो सकता। इन्होंने, चूँकि इनके पति राजेंद्र सोनी जी आज हमारे साथ AWPL में काम करते हैं, SLPS वेलनेस में काम करते हैं, जिन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने संस्थान का ही दवा मैं अपने परिवार को पिलाऊंगा। और उन्होंने कौन सी दवा आपको दिया था, कौन सी दवा दिए थे राजेंद्र जी? गैनोडाक और क्लोरोडाक दिया था। गैनोडाक और क्लोरोडाक, सिर्फ दो ही। और खुशी की बात है कि जब से मैं शादी हूँ तब से वहाँ अपने संजीवनी में मार्ती मैडम से वहाँ चेकअप करवाए थे, तब से इनको मेंस का भी प्रॉब्लम होता था। एक दिन पहले दर्द हो जाता था, दर्द डेली होता था, लेकिन बार बार बोलूँगी तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, पति उनके बोल के बताती नहीं थी। लेकिन जब दर्द बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर इसको हम लोग त्रिपाठी मैडम से अपना रिपोर्ट लिए। अच्छा, 17 तारीख को रिपोर्ट है, तो मैडम ने उसको बताया कि 45 mm का ट्यूमर है बेटा, अरे तो दवाई से कोशिश करती हूँ कि क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर ऑपरेशन जरूरी है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ऐसे बोल के बोले। और आपके गुरु जी के आशीर्वाद से आज है ना, अरे कि मैं सिर्फ गायनोडाक दिया और क्लोरोडाक, उसी की बात है कि एक हफ्ता में उनका दर्द पूरा ख़त्म हो गया था। और आज खुद डॉक्टर रिपोर्ट आज करवाए हैं, आज ही का है ये, आज का रिपोर्ट है 28/6/2019 का। इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, वीडियो में जूम कर सकते हैं, 28/6/2019 का ये रिपोर्ट, जिसमें डॉक्टर साहिबा ने पूरी तरह से बता दिया है कि आपके जो अंडाशय में जो ट्यूमर था वो पूरी तरह से क्योर हो चुका है, पूरी तरह से साफ हो चुका है। और उनको हिदायत दिया है, ये डॉक्टर साहिबा हिदायत दिए हैं कि आप गायनोडाक को जो आप पी रही थी उनको लगातार आप पीते रहेगा बोल के हिदायत दी है। और डॉक्टर साहिबा भी हमारी जो प्रोडक्ट है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया कि ये प्रोडक्ट से आपने अपने आप को क्योर कर लिया बोल के, और बहुत अच्छा बताया उन्होंने। तो दोस्तों ये बेहतर रिजल्ट हम लेके आए हैं। जितने भी दुनिया में माता बहन हैं सबको समस्याएं रहती हैं, प्रॉब्लम रहती हैं, शर्म से बताती नहीं है, पति को प्रॉब्लम होगा बोल के बताती नहीं है, पैसे की दिक्कत के कारण बताती नहीं है। आज ऑपरेशन होता राजेंद्र जी तो कम से कम कितना खर्चा होता? कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा होता ऑपरेशन होता, तो पेट कटता वो अलग बात है, उसके अंदर में कोई अंग का कोई भाग जो है टुकड़ा होता, शरीर के अंदर में दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती थी। आज बिना ऑपरेशन के, बिना कोई प्रॉब्लम के, आज उनके अंडाणु से जो ट्यूमर है पूरी तरह से क्योर हो चुका है। हम बहुत खुश हैं, हम लोगों को अमृत दे रहे हैं, हम लोगों को दवा के रूप में अमृत दे रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी को स्वस्थ करने का काम कर रहे हैं। और मैं थैंक्स बोलता हूँ संजीव कुमार सर को, जिन्होंने AWPL का निर्माण किया और जिन्होंने इतने बेहतरीन औषधि, इतने बेहतरीन दवा हमारे सामने में प्रस्तुत किया और ओरिजिनल किया। और आज तक उन्होंने किसी भी दवा में पैसे के कारण मिलावटी करने की उन्होंने दावा करते हैं कि मैं किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी दवा में मैं कोई मिलावट नहीं करूंगा, मैं जो भी दूंगा लोगों को एक नंबर का दूंगा, भले ही पैसा ज़्यादा लूंगा, उनका कहना ये रहता है। और यही रिजल्ट है दोस्तों कि आज 40 दिन में एक माता के पेट कटने से बच गया, एक माता के अंदर से ट्यूमर साफ हो गया। तो मैं पुनः हमारे टीम की तरफ से, सारंगढ़ रायगढ़ की टीम की तरफ से, मैं SLPS को पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। और धन्यवाद, थैंक यू।